कुछ नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं वो कहावत के साथ। मैं तो ये कहूँ कि बीजेपी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर हमें स्वीकारा है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। और रही बात, मैं धन्यवाद भी देता हूँ माननीय मोदी जी को कि हमें कम से कम उनके परिवार में स्वीकारा है। और रही बात सत्यनारायण पटेल की कि वो कहते हैं कचरा, तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता ने उन्हें पहले ही कचरा समझकर 5-5 बार ठुकरा दिया है, तो ये खुद समझ सकती है कि कचरा कौन है। और ये कह रहे हैं कि शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में, कुछ और नेताओं के नाम भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक आस, एक विश्वास, जो राष्ट्रहित की बात करता है उसमें हर एक व्यक्ति को विश्वास है। कल सांवेर विधानसभा के अनेक ऐसे व्यक्ति माननीय तुलसी साहब जी के नेतृत्व में अनेक लोग शामिल होंगे, उसके बाद महू के लोग शामिल होंगे, फिर उसके बाद मैं एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में करने जा रहा हूं जिसमें देपालपुर विधानसभा और इंदौर जिले के अनेक लोग और भी शामिल होंगे। विशाल भैया, इस बात में क्या हकीकत है कि जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया उसके तो सांसद टिकट यहां से दे रहे थे, कुछ चर्चा चल रही थी? बातें बहुत है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दिशाहीन हो चुकी है। आज भी इतना बड़ा इंदौर शहर होने के बाद और बातें करते हैं कि लाखों कांग्रेसी हैं लेकिन एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा, ये आप खुद समझ सकते हैं कि जीतू पटवारी जी की मंशा क्या चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ। हमेशा ही दरकरार रही है और हमेशा ही कहते आए। क्या आपने हमें भरी टिकट किसी प्रकार की? मुझे मालूम है कि डूबते नैयाम पाँव में नहीं रखूंगा। सरदार पटेल तो कह रहे हैं कि किसी की माँ के दूध में ताकत नहीं है, कोई बीजेपी ज्वाइन कर ले, करा दे। कोई किसी को कराना या किसी को नहीं कराना ये मैं भी समझता हूँ, व्यक्ति विशेष अपना खुद का निर्णय लेता है। अब ये टिप्पणियाँ करना, ये जो बातें हुई मैं इस पूर्व में कह चुका हूँ, इन्हीं सब बातों के कारण ही जनता ने उन्होंने ठुकराया था। कभी बीजेपी के संपर्क में थे? निश्चित तौर पर पहले भी आपने देखा होगा, उस परिवार का आप ही मीडिया के माध्यम से ही पता लगता था कि रोज़ कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उन्हें सत्यनारायण पटेल कचरा कह रहे हैं कि टेंशन ग्राउंड में ऐसे लोग जो राम की राह पर चलने वाला व्यक्ति अगर राम का दामन थाम रहा है और ऐसे व्यक्ति को अगर व्यक्ति कचरा कहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि उनकी सोच के ऊपर धिक्कार है कि जो राम को कचरा कह रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।